साउथ यूनिवर्सिटी की फ़ीस 32,800 RMB है। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें 10 रुपीज़ एवरेज लेके, तो 3,28,000 रुपये इसकी सालाना फ़ीस बनेगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, माई सेल्फ विपुल शर्मा फ्रॉम डॉक्टर एडिजोन। आज हम आए हैं साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी लानजिंग W रोड, जियानजिंग नानजिंग शहर, जियांगशु चाइना में सिचुएटेड है। साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। यह अपना सारा कार्य मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ऑफ चाइना के अंडर करती है। यह यूनिवर्सिटी पूरे दुनिया में भी अपना नाम कमा चुकी है। अगर हम इसके वर्ल्ड रैंक का बात करें तो 358 इसका वर्ल्ड रैंक है और इसका कंट्री रैंक है 32। यह बिल्कुल सिटी सेंटर के पास लोकेटेड है। इसके आसपास आपको सभी प्रकार की फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। यह यूनिवर्सिटी 1902 में इस्टेब्लिश हुई थी, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह यूनिवर्सिटी बहुत ही पुरानी है। लगभग 118 साल पुरानी यह यूनिवर्सिटी है। इसके अंदर लगभग 2,500 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस समय पढ़ रहे हैं, जौन से कि अलग अलग 60 कंट्रियों से आके अपनी स्टडी कर रहे हैं। यानी कि आपको इस यूनिवर्सिटी में स्टडी के साथ साथ एक्सपोजर भी अच्छा मिलेगा और अलग अलग प्रकार के कल्चर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, कोरिया, इंडिया, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, अलग अलग देश के स्टूडेंट्स यहाँ पर, 60 अलग अलग कंट्रीज़ के स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगर हम इंडिया से साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी की कनेक्टिविटी की बात करें तो दिल्ली और मुंबई तथा कोलकाता से डेली 2 से 3 फ्लाइट आपको बीजिंग चाइना की मिल जाएंगी और टैरिफ भी बहुत कम है फ्लाइट का। लगभग आपको 10 से लेके 15,000 रुपये तक की फ़्लाइट आपको इजीली मिल जाती है। अगर हम बीजिंग पहुंचने के बाद साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी का पहुंचने में केवल आपको 1.5 घंटा लगेगा। बीजिंग से नानजिंग सिटी की दूरी केवल 1.5 घंटा है हाई स्पीड ट्रेन के द्वारा। नानजिंग सिटी भी बिजनेस के ट्रेड में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ पे लगभग 300 से अधिक मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। अगर हम कैंपस के एरिया की बात करें, यह कैंपस लगभग 393 एकर्स में फैला हुआ है। जुलाई यहाँ का सबसे गर्म महीना है। यहाँ पे जुलाई के समय लगभग 28 डिग्री टेम्परेचर रहता है और जनवरी में लगभग 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाता है। यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको कैफेटेरिया, मेस, सब कुछ आप देख सकते हैं कि आपको अवेलेबल है। अगर हम एक टाइम की मील की बात करें तो 50 रुपये में आप मिनिमम एक टाइम की मील खा सकते हैं और यूनिवर्सिटी के आसपास आपको इंडियन रेस्टोरेंट भी अवेलेबल हो जाएंगे। अदरवाइज आपको ग्रोसरी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है इंडियन। आई होप कि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डॉक्टर एडिजोन विपुल शर्मा।